बिलासपुर में इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तथा विधायक रामलाल ठाकुर ने की। इस अवसर पर रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए पदचिन्हों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। इस मौके पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक व पंचायती राज संस्थाओं को धरातल पर ढालने वाले इस प्रधानमंत्री को देश कभी नहीं भुला सकता है। रामलाल ठाकुर ने स्वर्गीय राजीव गांधी से अपने निजी संबंधों को भी थोड़ा याद किया। उन्होंने बताया कि एक बार वे राजीव गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और वहां भी वे काफिले में शामिल हुए थे, तो एक ढाबे पर राजीव गांधी रुके तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के बारे में बताओ ताकि उसे सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बहुत सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्रामीण हिमाचल को सुदृढ़ कर रहे हैं उससे उनका सपना है कि इस तरह देश का हर ग्रामीण क्षेत्र सुदृढ़ हो। राजीव गांधी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि उसी के संदर्भ में देश में इंटरनेट सेवा को वे लेकर आए थे, ये उन्हीं का योगदान है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य सोशल मीडिया राजीव गांधी की ही सोच का परिणाम है। आज के दिन भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी पे क्या पूरी दुनिया को जिनके ऊपर गर्व था, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जो इनको अलंकृत किया गया था भारत रत्न से, आज के दिन प्रियम्बदूर में उनके ऊपर जो षड्यंत्र हुआ था और उन्होंने भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी थी वो सारी दुनिया ने देखी है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि 29 वर्ष हो गए, 29 वर्ष में इस भारतवर्ष में कब कब क्या क्या हुआ है वो मैं कहूँगा कि पूर्णतः हमारे इतिहास में अंकित हैं। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष को ले जाने के लिए एक नया नारा दिया था और उसमें उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, कहा था इसके बिना जो है हम पूरी दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते, मैं ये कहूँगा कि आज भारतवर्ष जो कंप्यूटरीकरण के चारों तरफ को घूम रहा है, आज की तारीख के जितने भी हमारे जो हुक्मरान हैं, जो पहले कभी हुआ करता था कि वो कंप्यूटरीकरण का विरोध करते थे, जो लोग बैलगाड़ियों पे जाके पार्लियामेंट में जिन्होंने उसका विरोध किया था, आज हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो कहा था आज के हुक्मरान और आज की राजनीति जो है वो उसकी उस धुरी के अंदर जो है वो चारों तरफ से जो है वो उसी के ऊपर चलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गर्व है, भारतवर्ष के लोगों को गर्व है कि एक नौजवान जो राजनीति में आया भाई की मौत के बाद, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए दी, तो न चाहते हुए भी भारतवर्ष के जो लोग थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने राजीव गांधी को राजनीति में आने का जो है वो निवेदन किया और सहर्ष उन्होंने स्वीकारा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतवर्ष के जो नौजवान हमारा नेतृत्व था, जो उन्होंने एक तस्वीर युवाओं की पूरी दुनिया के अंदर खड़ी करी, वो भी मैं कहना चाहूँगा कि एक जो है वो इतिहास है। और आज मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। जो रास्ता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमें दिया, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के बलिदान से, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष ने एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नई उमंग जो ली है वो उसको लेके हम लोगों के बीच में जाने की आज आवश्यकता है। और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे थे जिन्होंने
नए पंचायती राज एक्ट की परिकल्पना कल्पना करी थी और जिसको हमारे अगले प्रधानमंत्री ने उसको जो है वो अमली जामा पहनाया और आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का पंचायती राज जो है वो आज अगर मजबूत हुआ है तो उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी का हिस्सेदारी है।